29 अप्रैल और 30 अप्रैल की तारीख हमेशा सभी को याद रहने वाली है, क्योंकि ये वो दो तारीखें हैं जिसने हमसे दो ऐसे कलाकारों को छीन लिया जो अब कभी लौट कर नहीं आने वाले। इरफान खान के निधन की खबर से अभी लोग उभरे भी नहीं थे कि अब देश को ऋषि कपूर की मौत से एक और झटका लग गया है। ये तो सभी जानते हैं कि ऋषि कपूर को भी कैंसर था, जिसके इलाज के लिए वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में इलाज के लिए भी गए। लेकिन आखिरी वक्त में इस महान हस्ती की हालत कैसी थी, ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। और इस वीडियो में हम आपको ऋषि कपूर के आखिरी लम्हों की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। दरअसल बुधवार 29 अप्रैल को अचानक ऋषि कपूर की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जहां उन्हें ICU में रखा गया था। जानकारी के मुताबिक ऋषि कपूर की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। आपको बता दें कि ऋषि कपूर की तबीयत पिछले गुरुवार से खराब बताई गई थी, उन्हें भर्ती भी करवाया गया था, लेकिन 4 घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें स्पेशल पास भी जारी किए थे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट BMC और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी भेजी गई थी। इससे पहले फरवरी में भी ऋषि कपूर की तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था। लेकिन 29 अप्रैल को जब ऋषि कपूर को दोबारा एडमिट करवाया गया, तो इलाज करने वाली डॉक्टरों के मुताबिक उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी, उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। बावजूद इसके वो जिंदा दिल थे। जैसे ही उन्हें वेंटिलेटर पर डाला तो वो डॉक्टर से हंसी मजाक करने लगे। आखिरी पलों में भी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का मनोरंजन करते रहे ऋषि कपूर। आखिरी वक्त में ऋषि कपूर इतने दर्द में होने के बावजूद भी काफी जिंदा दिल थे, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स काफी हैरान था। लेकिन 67 साल की उम्र में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। बॉलीवुड स्टार्स के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री भी अपने चहेते एक्टर की याद में इमोशनल तो है, साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ भी कर रहे हैं। ऋषि कपूर ने कई ऐसी यादगार फिल्में हमें दी, जिसके लिए पूर्वांचल की तमाम जनता भी उनकी शुक्रगुजार रहेगी।